हाय फ्रेंड्स, ये जो नरेशन है 1997 का है। उस समय हमारे पास एक पहला हमारा कंप्यूटर आया, जो कि जिसका डेस्कटॉप जो था वो पीछे से बहुत लंबा हुआ करता था। तो हम उसी में एक ही की ई कॉमर्स कंपनी थी उस समय, bazi.com, और बाकी हमने दिन बाकी और भी सर्फिंग करते रहते थे बड़े शौक़ से। नया नया शौक़ था। एक दिन मैं अपना मेल चेक कर रही थी, तो उसमें एक इंग्लिश काफ़ी लंबा चौड़ा इंग्लिश में बहुत बड़ा मेल था। तो उसमें ये था, उसका जिस्ट ये था कि आपकी लॉटरी लगी है 2 करोड़ की, और आप अपना बैंक डिटेल्स भेज दीजिए और हम लोग आपके पैसा जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं समझ गई कि ये तो फ्रॉड है। उस समय ऑनलाइन फ्रॉड होते नहीं थे, पता नहीं चल पाता था, तब पता ही नहीं था, मतलब शुरुआत हो ही होगी शायद, तभी हो रही थी। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिल्कुल उसको इग्नोर किया, और उसके बाद मैंने उसको जो उसकी जो मेल थी उसको भी डिलीट कर दिया। उसके बाद बाद में पता चला कि कई लोग इस ऑनलाइन ये लॉटरी के शिकार हुए, और उसमें जो नाइजीरियन गैंग था वो पकड़ा गया। उसमें नाइजीरियंस ज़्यादा थे, ये ऑपरेट वहीं से होता था। तो ये तो खैर ऑनलाइन तब शुरू हो गई, ऑनलाइन जितने फ्रॉड्स थे ऑनलाइन काफ़ी चलता रहा है। सब लोग कई लोग बहुत लालच में आके फंस भी जाते थे। मेरे साथ सेकंड जो हुआ इंसिडेंट वो हुआ 2018 में। मैंने स्नैपडील से एक प्रोडक्ट लिया 4500 का। अब 15-20 दिन गुजर गए, तो मुझे करीब 7:30 पे एक कॉल आया कि मैडम, आप जितने हमारे कस्टमर्स हैं, हम स्नैपडील से बोल रहे हैं, हमारे जितने कस्टमर्स हैं उनका हमने लॉटरी में सबका नाम डाला, और लॉटरी में आपका नाम निकल गया है, आपको लॉटरी मिली है, और उसमें आपको एक XUV 500 मिली है। तो और आपके पेपर हम प्रोसेस कर रहे हैं, और आप अपना हम जल्दी आपको भेजेंगे, आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि तुम पेपर प्रोसेस अपने नाम पे करो, प्रोसेसिंग फ़ी भी तुम ही दो, और गाड़ी भी तुम ही रखो, लेकिन आइंदा से तुमने अगर मुझे फ़ोन किया तो साइबर सेल में मैं तुम्हारा नंबर दे दूँगी, और आइंदा से मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं करो करना, कोशिश भी मत करना। और इस तरह से मैंने दूसरे वाली वो नहीं तो ऑनलाइन फ्रॉड में आजकल तो अभी भी लोग, मैंने सुना है, पढ़ते हैं हम लोग, किसी ने 2 करोड़ किसी ने क्या पैसा गंवाते रहते हैं, पर पता नहीं समझ में नहीं आता कि लोगों को इतना पेपर पढ़ते हैं न्यूज़ सुनते हैं उसके बावजूद भी कैसे हम इस तरह के लोगों के चंगुल में लोग फंस जाते हैं। तो वैसे हमें बच के रहना चाहिए इस तरह से, और किसी लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।